नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। खंडर में तब्दील हो गया कैथल जिला का स्टेडियम। ना पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय और ना ही लाइट की व्यवस्था है। जिला खेल अधिकारी ने कहा कि हमारे पास सिर्फ 2000 रुपए की पावर है। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। हरियाणा सरकार जहां एक ओर खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने की बात करते हुए नहीं थकती, तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें कैथल जिला की, तो कैथल जिला में गुरु गोविंद सिंह पट्टी अफगान जिला स्टेडियम की हालत, खिलाड़ी मूलभूत सुविधाओं से तरस रहे हैं और उसकी हालत खंडर की तरह तब्दील होती जा रही है। यहाँ पर न तो पीने की पानी की व्यवस्था की गई है और न ही शौचालय की व्यवस्था है और न ही बिजली और न ही यहाँ पर कोई कोच आता है। तो ऐसे में आप बता सकते हैं कि जो बच्चे बड़ी बड़ी तैयारियाँ कर रहे हैं, खेलों में आगे बढ़ने की तैयारियाँ कर रहे हैं, वो आखिर कैसे कर पाएंगे ये सब। आपको बता दें कि कैथल के इंडोर स्टेडियम को तैयार होने के बाद जिला खेल अधिकारी का कार्यालय भी इसमें स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया, यानी सीक्रेट कर दिया गया। इसके बाद में रख रखाव के अभाव में जिला खेल स्टेडियम खंडर बनता चला गया। यहां पर करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई बिल्डिंग आज बंद पड़ी है। इतना ही नहीं, 3 माह पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2.85 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए गए खेल सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया था, लेकिन आज भी उस पर ताला लटका हुआ है। जिला खेल स्टेडियम में सुबह शाम यहां पर आर्मी, पुलिस व स्पोर्ट्स की तैयारी करने के लिए सैकड़ों बच्चे आते हैं। ऐसे में सुविधाएं मिलना लाजमी है, लेकिन यहां तो बाथरूम तक पर ताला लगा हुआ है। जहां भारत स्वच्छता अभियान को लेकर के इतने वादे करता है, इतने दावे करता है, सरकारों की इतनी बड़ी बड़ी योजनाएँ इसके लिए चलाई जाती हैं, लेकिन क्या ऐसे अभियानों पर या फिर संबंधित विभाग पर इस तरह के हालात एक प्रकार से सवाल या निशान लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन इस ओर कैसे ध्यान देता है, या फिर पूरी तरह से इस खेल परिसर को खंडर बदलने में इंतजार करना होगा। अब देखें पल पल की। मेरा नाम राकेश है, मैं गांव खुराना से यहाँ आर्मी की तैयारी करने आता हूँ। इस ग्राउंड में कोई भी सुविधा नहीं है और ना कोच है। सरकार सोचते है कि कैथल हरियाणा के मेडल है, मेडल कहाँ से आएंगे, कोच तो है नहीं यहाँ पे, और ना यहाँ पर लैटरिन है, ना पानी सुविधा है। मेरा नाम अशोक कुमार है। हम यहाँ से एप्लीकेशन लिख के इंडोर स्टेडियम में गए थे। ना तो यहाँ पानी की सुविधा है, ना लैटरिन बाथरूम की सुविधा है, और जहाँ पे ये दरवाज़ा टूटा हुआ है हमको बाहर जाना पड़ता है सोच के लिए। ना ही वो मेन दरवाज़ा खोलते हैं, यहाँ पे बच्चे बहुत दुखी हैं। ना इसकी ग्राउंड की सफाई करते हैं, जब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक के गेम होते हैं तब इसको साफ़ सफाई कर देते हैं, तब यहाँ पर पूरी फैसिलिटी हो जाती है जैसे लैटरिन बाथरूम की। हम ये चाहते हैं, हमने कई बार एप्लीकेशन दी यहाँ पर, वो भी आए थे, DC भी आए थे, तो हमने बोला था कि यहाँ पर लैटरिन बाथरूम की सुविधा की जाए, लेकिन हमने 3-4 बार एप्लीकेशन भी दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो कहते हैं कि आप अपने पैसे से कर लो, हम बाद में जो बजट होता है वो दे देंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई गौर नहीं हुआ। यहाँ बोल देते हैं ना यहाँ पर बिजली की सुविधा है, यहाँ पर बोल देते हैं ट्रांसफार्म खराब है, पहले हम ऊपर से कार्रवाई लेते हैं। राकेश सैनी, क्या क्या मतलब परेशानी है यहाँ पे? सर एक यहाँ पे खुले में सोच करना पड़ रहा है, बच्चों को लैटरिन सारी बंदे पड़ी हैं, और वाटर कूलर था जो वहाँ से उखाड़ के ले गए हैं, और 3-4 बार हमने शिकायत भी कर दी है, एक बार भी अमल नहीं हुआ इस बात पे। बच्चे बहुत दुखी हैं, अगर गेम होती है तो यहाँ पर पूरी फैसिलिटी हो जाती है, उसके बगैर नहीं होती है, इसलिए इसे बंद कर दिया जाए, वही ठीक रहेगा। सीवन से जी, डिस्ट्रिक्ट कैथल जी, यहाँ पर खानपुर खेल स्टेडियम है जी, यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही जी, सभी बच्चे जी पानी या वॉशरूम के लिए कोई भी यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है जी। इंदौर स्टेडियम है जी, कैथल डिस्ट्रिक्ट में है जी, तो वहाँ पर हमने कई बार जी एप्लीकेशन भी लगाई है जी, वो सुनते नहीं है जी हमारी, तो यहाँ पर सभी सिस्टम ऐसे है जी, इंदौर भी बना दिया जी बच्चों के लिए, पर कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कोई सरकारी कोच है जी, कोच है जी मगर वो कार्रवाई नहीं करते जी, वो पता नहीं कहाँ पर है, अपनी पेंशन ले रहे हैं, कोई कुछ भी यहाँ पर फैसिलिटी को नहीं है। सब कुछ यहाँ पर खेलने के लिए आती है जी, बास्केट वाली सब कुछ है जी, सब ऐसे ही सड़ रहा है, आप जाके चेक कर सकते हो जी। बहुत धन्यवाद जी, यही कहना चाहते हैं जी पानी के लिए। कम से कम 60-70 बच्चे तो रेगुलर है जी, शाम को आते हैं जी, 100+ अंडर में बच्चे हो जाते हैं जी। अगर कोच की नियुक्ति हो जाए तो बच्चे बढ़ने की उम्मीद है? बढ़ने की उम्मीद है जी, कोच के अंडर में तो सब कुछ, ये तो अपने यहाँ भर्ती वाले बालक है जी, गेम वाले एथलेटिक बालक आते हैं जी, वो संगरूर जाके तैयारी करते हैं जी, क्या लोड है जी यहाँ पर जी, अगर यहाँ पर बच्चे आए दूर दूर से गेम में खेलने के लिए। क्या नाम है अपना? रजत। क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? कोई सुविधा नहीं है जी, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे आते हैं, ना दरवाजा खुला होता जी,
ऊपर से टपके आते हैं बच्चे अंदर। दूसरी सुविधा ये चाहिए कि यहाँ पर लैटरिन बाथरूम की फैसिलिटी नहीं अच्छी, और यहाँ पर पानी की फैसिलिटी नहीं है, और बच्चों को बाहर जाना पड़ता है घूमने के लिए। और जैसे यहाँ पर ना लाइट की फैसिलिटी है, भाई बच्चे जैसे दौड़ मारते हैं भाई लाइट तो ज़रूरी है। मैडम गांव खानपुर में जो जिला स्टेडियम है वहाँ कुछ सुविधाएं नहीं है, जैसे ना तो वहाँ शौचालय की सुविधा है, ना उसके पानी की, ना ही बिजली की, बच्चे परेशान है। इस बारे में कोई अपने विभाग को लिखा है? हाँ जी, इसकी हमने डीसी साहब को फाइल पुट अप करी थी कि अन्य कंसर्न डिपार्टमेंट से, जैसे पानी के लिए पब्लिक हेल्थ है और B&R है शौचालयों की, उसका एस्टीमेट तैयार करवा के हम अपने खेल विभाग को पंचकुला भिजवाएंगे। एस्टीमेट तैयार होने के लिए हमने लेटर भिजवाए हुए हैं, उसका एक बार फिर रिमाइंडर भिजवाएंगे। अभी वोट की वजह से अधिकारी उधर राउंड नहीं लगा पाए, तो जब जैसे ही एस्टीमेट हमें मिल जाता है तो हम अपने मुख्यालय में भिजवा के ग्रांट मंगवा के उस पर काम शुरू करवा देंगे। खेल सुविधा केंद्र भी बनाया है हाँ जी, जिस पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं जी, वो भी अभी शुरू नहीं हो पाया। हाँ जी, वो उसका उद्घाटन हुआ था 3 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों, लेकिन वो इसीलिए नहीं शुरू हो पाया क्योंकि अभी वहाँ पे पानी और बिजली का और सीवर का कनेक्शन होना बाकी है, तो उसके भी हमने एस्टीमेट बनवाने के लिए फाइल चलानी है। जैसे ही वहाँ पे ये काम शुरू करवा देंगे और हो जाएगा, उसके बाद फिर वहाँ बिजली पानी सुविधा चालू हो जाएगी। कब तक सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी लगभग? हाँ, एक बार तो फिर अभी एस्टीमेट तैयार करवाने के लिए फाइल चलानी है। लाइट भी नहीं आती, पानी भी नहीं होता।